हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डेट इज स्टैटिक मेथड्स। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स को यूज करने के रूल्स क्या होते हैं, आज मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा। ओके, तो देखो तो सबसे पहले तो स्टैटिक मेथड होता क्या है। कोई भी मेथड जिसके आगे मैं स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर देता हूं वो स्टैटिक मेथड हो जाता है। कैसे, देखो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर एक सिंपल क्लास क्रिएट कर दी, डेट इज क्लास टेस्ट, और इसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया है, डेट इज वॉइड डिस्प्ले के नेम से। तो यहां पर डिस्प्ले क्या है, सिंपल मेथड है, और ये वाला मेथड इसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन। मैंने यहां पर क्या किया, सिंपली वन प्रिंट करवा दिया। ओके, तो ये वाला मेथड अभी सिंपल मेथड है, बट अगर मैं इस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देता हूं तो ये मेथड क्या हो जाएगा, स्टैटिक मेथड हो जाएगा। ओके, अब स्टैटिक कीवर्ड तो मैंने लगा दिया, बट स्टैटिक कीवर्ड लगाने से होगा क्या। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, स्टैटिक मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। स्टैटिक मेथड, सिंपल मेथड अगर मैं क्रिएट करता हूं तो मैं किसके थ्रू कॉल करता हूं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहां पर ध्यान रखना है, स्टैटिक मेथड जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, स्टैटिक मेथड्स बिलोंग्स टू द क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। देन सेकंड पॉइंट, स्टैटिक मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो हम लोग डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। ओके, कैसे, देखो मैंने यहां पर क्या किया, मेन मेथड क्रिएट कर दिया, डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब अगर ये सिंपल मेथड होता, स्टैटिक मेथड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने क्या किया, स्टैटिक हटा दिया, तो अब इस वाले मेथड को कॉल करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैंने इधर क्या किया, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, मैंने क्या किया यहां पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड मैंने इधर क्या लिखा, टी डॉट डिस्प्ले, मैंने क्या किया यहां पर टी डॉट डिस्प्ले मेथड को मैंने यहां पर कॉल करवा दिया। ओके, तो ये तो था सिंपल मेथड, इंस्टांस मेथड को कॉल करवाने के लिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। बट अगर ये वाला मेथड स्टैटिक मेथड है, मैं कोई दूसरा मेथड यहां पर क्रिएट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल स्टैटिक वॉइड शो के नेम से, जिसके अंदर मैंने कुछ भी चीज प्रिंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टू। तो अब अगर मुझे ये शो मेथड कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू मेथड को कॉल करवा सकता हूं। तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं टेस्ट डॉट शो। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं वो क्लास के लिए होते हैं, तो मैं डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू शो मेथड को कॉल करवा सकता हूं। ओके, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी शो मेथड को कॉल करवा सकते हैं, अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो मैं उसके अंदर क्लास के नेम के थ्रू स्टैटिक मेथड को कॉल करवा सकता हूं। ओके, और अगर विद इन अ क्लास है तो मुझे टेस्ट क्लास भी लिखने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली शो मेथड को कॉल करवा सकता हूं। ओके, तो ये था स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के केस में क्या होता है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू कॉल करवा सकता हूं। तो स्टैटिक मेथड फिर हमने बनाया क्यों है, यहां पर फिर से मेन यूज आ जाता है स्टैटिक का, स्टैटिक कीवर्ड आर यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट कैसे, देखो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेस्ट नेम का, जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये क्या करेगा, मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर मैं स्टैटिक मेथड क्रिएट करता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, डेट मीन्स के डायरेक्टली वो चीज कॉल हो रही है
ऑब्जेक्ट बनाने की नीड मुझे नहीं पड़ी, तो इससे क्या होगा, मेमोरी कम यूज होगी, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा और प्रोग्राम की स्पीड या सॉफ्टवेयर की स्पीड फास्ट हो जाएगी। ओके, तो स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, वही जो स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है, और एक मेन यूज यही है, स्टैटिक इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्ट मुझे बनाने की नीड नहीं हुई, ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो जब उस मेमोरी ऑक्यूपाई है ही नहीं तो वो प्रोग्राम मेरा मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो ये सारा का सारा पार्ट एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया और एक क्लास क्रिएट कर दी फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के नेम से, और इसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया डेट इज वॉइड डिस्प्ले के नेम से। ओके, और इसके अंदर मैं ये प्रिंट करवा रहा हूं डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन। अब ये वाला मेथड किस टाइप का मेथड है, इंस्टांस मेथड। तो इस मेथड को अगर हमें कॉल करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड क्रिएट किया, और फिर मुझे यहां पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड टी डॉट डिस्प्ले, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये वाला प्रोग्राम करेक्ट है, मैं प्रोग्राम सेव करके देख लेता हूं। डी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेस्ट डॉट जावा, देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर गए, देन सीडी स्पेस जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया एंड देन रन किया डेट इज जावा स्पेस टेस्ट, तो आउटपुट आ जाएगी 1। ओके, अब क्या मैं डिस्प्ले मेथड को डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं बिना टेस्ट ऑब्जेक्ट के, क्या मैं डिस्प्ले मेथड को डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं, सेव करके देख लेते हैं। देन कंपाइल किया मैंने, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले, दैट मींस कि मैं ये वाला काम तो कर ही नहीं सकता। ओके, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड को कॉल करूंगा। ओके, बट अगर मैं यहां पर स्टैटिक क्रिएट कर देता हूं, डिस्प्ले मेथड को मैं स्टैटिक मेथड बना देता हूं, तो फिर क्या मैं डायरेक्टली डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा सकता हूं। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, देन कंपाइल किया प्रोग्राम, तो ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, एंड देन जावा स्पेस टेस्ट, ये देखो मैंने जब प्रोग्राम को रन किया तो ये सक्सेसफुली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। That means के स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं, या फिर मैं क्लास के नेम के थ्रू डेट इज टेस्ट क्लास के नेम के थ्रू भी मेथड को कॉल करवा सकता हूं। तो अगेन प्रोग्राम सेव किया, कंपाइल किया प्रोग्राम, तो देखो कंपाइल हो गया एंड देन रन भी हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो स्टैटिक मेथड बनाने से क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली या क्लास के नेम के थ्रू कॉल करवा सकता हूं। ओके, अगर यहां पर मैंने कोई दूसरी क्लास क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल क्लास एक्स वाई जेड, और इसके अंदर मैंने कोई भी मेथड बना दिया डेट इज स्टैटिक वॉइड शो नेम का मेथड मैंने बना दिया एंड देन प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया 2। ओके, तो अब मुझे अगर शो मेथड को कॉल करवाना है, देखो यहां पर एक चीज और नोटिस करना, डिस्प्ले मेथड में डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो कंपाइल किया प्रोग्राम, रन किया, 1 आउटपुट दे रहा है, डिस्प्ले स्टैटिक मेथड था। तो क्या मैं शो मेथड को यहां पर डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं, करके देख लेते हैं। शो मेथड मैंने लिखा, देन कंपाइल किया, तो ये देखो कैन नॉट फाइंड सिंबल शो। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, मैं डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को कॉल करवा सकता हूं बट विद इन अ क्लास, क्लास से बाहर कॉल नहीं करवा सकता। तो यहां पर अगर मुझे शो मेथड को, जो कि स्टैटिक मेथड है, शो मेथड को अगर कॉल करना है तो मैं डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू कॉल करवा सकता हूं। तो मैंने लिखा एक्स वाई जेड डॉट शो, तो चेक कर लेते हैं क्या आपकी बार प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाएगा।
कंपाइल किया, सक्सेसफुली हो गया एंड देन रन किया, तो ये देखो वन एंड टू, वन डिस्प्ले मेथड के लिए आउटपुट प्रोवाइड कर दी एंड टू शो मेथड के लिए इसने आउटपुट प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो ध्यान रखना स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं वो क्लास के लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होते। तो मैं डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं या फिर क्लास के नेम के थ्रू भी कॉल करवा सकता हूं। और स्टैटिक मेथड का यूज क्या हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट। कैसे, बिकॉज ऑब्जेक्ट मुझे बनाने की नीड नहीं पड़ी। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं और उनको कॉल कैसे करवाते हैं। ओके, अब स्टैटिक मेथड्स के कुछ और रूल्स भी होते हैं जो मैं आप लोगों को एक एक करके बता भी देता हूं। ये देखो यहां पर आप रूल्स देख सकते हो, फर्स्ट टू रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास नॉट टू द ऑब्जेक्ट। देन सेकेंड, स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द क्लास नेम, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती, जो मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया। ओके, देन थर्ड, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, दैट मींस के वो स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक डेटा लाइक इंस्टांस वेरिएबल्स को वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देन अ स्टैटिक मेथड कैन कॉल ओनली अदर स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। एंड लास्ट, स्टैटिक मेथड के साथ हम लोग दिस या सुपर कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारे रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने। अब एक एक करके जो रूल्स है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर एक और क्लास ले ली है, डेट इज क्लास स्टैटिक डेमो, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दिया, डेट इज डिस्प्ले, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, एक मेथड मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। और मैं यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज इंट आई इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करूं। तो क्या ये वाला प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाएगा, चेक करके देख लेते हैं, क्या ये वाला प्रोग्राम कंपाइल होगा। स्टैटिक डेमो डॉट जावा, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, देन कंपाइल किया प्रोग्राम, डेट इज जावा सी स्पेस स्टैटिक डेमो डॉट जावा। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, रूल नंबर वन, डेट इज स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, दैट मींस के स्टैटिक मेथड हमेशा स्टैटिक डेटा ही एक्सेस करेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, नॉन स्टैटिक डेटा वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पर प्रोग्राम को मैंने सेव किया, देन अगेन कंपाइल करके देखो, तो ये देखो ये यहां पर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ओके, तो रूल नंबर वन, स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं वो हमेशा स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन सेकेंड थिंग, अगर मैं यहां पर एक सिंपल मेथड क्रिएट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल void show, और इसके अंदर मैंने कुछ भी चीज प्रिंट करवा दिया, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टू, मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया टू और यहां पर प्रिंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल वन। तो अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शो मेथड को कॉल करता हूं तो क्या ये कॉल हो जाएगा, मीन्स स्टैटिक मेथड से अगर मैं नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करवाता हूं तो क्या ये चीज पॉसिबल है, कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड शो कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टैटिक मेथड के थ्रू मैं सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल करवा सकता हूं। तो अब की बार प्रोग्राम मैंने सेव किया, देन कंपाइल किया प्रोग्राम, तो ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ओके, रन आप लोग कर ही सकते हो, मेन मेथड बनाकर रन कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना स्टैटिक मेथड के थ्रू हम लोग स्टैटिक मेथड्स के थ्रू हम लोग स्टैटिक मेथड्स को ही एक्सेस कर सकते हैं,
नॉन स्टैटिक मेथड्स को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। एंड लास्ट थिंग इज स्टैटिक मेथड के थ्रू हम लोग दिस या सुपर का यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं इंट आई इक्वल्स टू 10 और अगर मैं यहां पर करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन दिस डॉट आई, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? मीन्स स्टैटिक मेथड के अंदर मैं अगर दिस कीवर्ड का यूज करता हूं तो क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। बट अगर मैं यहां पर सिंपल मेथड क्रिएट करता हूं तो क्या मैं उसके अंदर दिस कीवर्ड का यूज कर सकता था? कंपाइल किया प्रोग्राम तो ये देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका। डेट मीन्स के सिंपल मेथड के थ्रू दैट इज इंस्टांस मेथड के थ्रू मैं इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करवा सकता हूं और दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकता हूं। बट अगर यहां पर स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड के अंदर ना तो मैं दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूं और ना ही मैं सुपर कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं स्टैटिक मेथड्स के लिए जो आप लोगों को याद रखने हैं, ओके। सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, ओके। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारे रूल्स आप लोगों को डीपली समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।